बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश के कांग्रेसी आज आक्रोश में है। और संसद में जो राहुल गांधी जी अडानी पे बोले हैं, असल में उससे भटकाने के लिए इस तरह के काम किया गया है। राहुल जी, देश की जनता इसको देख रही है और आने वाला चुनाव में सबक इसको मिलेगा। सबक मिलेगा, बिल्कुल सबक मिलेगा। और भाजपा नीत गठबंधन की सरकार इस बार चली जाएगी, कोई उसको नहीं बचा सकता। ये संदेश पूरे देश में जाएगा और हर जगह इस तरह का प्रदर्शन होगा और पूरे देश में हर जगह कांग्रेसी अपने हक हकूक की लड़ाई, अपने नेता की बात कहेंगे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरी है और जिस तरीके से अडानी का महाघोटाला को लेकर, जेपीसी की मांग को लेकर ये लोग आज सड़क पर उतरे और पुतला दहन कर रहे थे। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ होगा सामने। आज इस तरीके से आपने विरोध प्रदर्शन किया है मोदी सरकार के खिलाफ, क्या कुछ सामने होगा, इससे क्या लगेगा? देखिए, ये साजिश है संवैधानिक संस्था को पूरी तरह से सरकार कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और संसद में जो राहुल गांधी जी अडानी पे बोले हैं, असल में उससे भटकाने के लिए इस तरह के काम किया गया है। राहुल जी को सजा के बहाने अडानी से ध्यान हट जाए और संसद में उनको बोलने से रोक दे राहुल गांधी जी को, इसीलिए इस तरह के जो फैसला है। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी दबाव हम लोग समझते हैं जो निश्चित रूप से है, और राजनीतिक दबाव के कारण लोकतंत्र जो है अब चीरहरण उसका हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम लोग सड़क पर उतर के इस बात के खिलाफत कर रहे हैं जो अच्छे लोकतंत्र के लिए जो विपक्षी नेता है उसको स्वस्थ मानसिकता से संसद में बोलने दी जाए। जिस तरीके से आपने कहा कि दबाव दिया जा रहा है, क्या इस दबाव से रुकेंगे आप लोग? अब जितना दबाव देंगे, ममता बनर्जी भी बोल दिए है जो वो तो हमारे नेता को और हीरो बनाया जा रहा है, तो अच्छा बात है। लोग भी समझ रहे हैं जो किस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रहा है, किस तरह से राहुल गांधी को दबाने की कोशिश हो रहा है और सही बात बोल रहे हैं। तो अब पब्लिक भी जो है सेंटिमेंट में कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होने वाला है, घाटा नहीं होने वाला है। और भी लोगों से बात करते हो, जानते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है, क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। सम्मानित मतदाता जो है, देश का जो सम्मानित मतदाता है, वो देख रहा है इस देश में क्या जो गलती से जो 33% मत लाने वाली सरकार के द्वारा जो लगातार गलत निर्णय लिए जा रहे हैं राष्ट्र हित में, किसान हित में, युवाओं के हित में, उससे लोग आक्रोशित है। चूंकि उनको 67% लोगों ने वर्तमान सरकार के विरोध में मत दिया था। आपको याद होगा पिछला लोकसभा चुनाव में 2019 में देश के 67% लोग भाजपा नीत गठबंधन के खिलाफ अलग अलग दलों को दिए थे। मतलब 100 में केवल 33 लोगों ने भाजपा को दिया था, 67% अन्य को दिया था। वो जो 67% लोग हैं वो सभी आक्रोशित हैं, युवा आक्रोशित है, किसान आक्रोशित है, समाज सेवी संगठन के लोग आक्रोशित हैं, महिलाएं आक्रोशित हैं, महंगाई चरम पर है, किसान आक्रोशित है, खाद बीज की किल्लत है और चरम पर खाद का दाम है, वो अनुपलब्धता है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी का मुद्दा है और लगातार एक दो औद्योगिक घरानों को, कांग्रेस पार्टी कोई औद्योगिक घराने का विरोध नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी का ही लगाया हुआ देश का तमाम जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय उपक्रम औद्योगिक संगठन स्थापित किए गए हैं 1952 से लेकर के कांग्रेस के लंबे अतीत काल तक, लेकिन ये वर्तमान सरकार तमाम पीएसयू को बेचने का कार्य कर रही है और वो भी बेचने का कार्य कर रही है, केवल अपने दो मित्रों को संतुष्ट करने का कार्य कर रही है। देश की जनता इसको देख रही है और आने वाला चुनाव में सबक इसको मिलेगा। सबक मिलेगा, बिल्कुल सबक मिलेगा। और भाजपा नीत गठबंधन की सरकार इस बार चली जाएगी, कोई उसको नहीं बचा सकता है। देश के तमाम मतदाता नाखुश हैं, सब सड़क पर हैं, सब चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द चुनाव और सरकार जाए। आज जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, क्या लगता है इससे सरकार तक कुछ बात पहुंचेगी? जिस तरीके से राहुल गांधी को रोका जा रहा है, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पहुंचेगी। ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये इस तरह से अगर ये तानाशाह सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके राजनीतिक पूर्वाग्रह का करे काम करेगी तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा और हर जगह इस तरह का प्रदर्शन होगा और पूरे देश में हर जगह कांग्रेसी
अपने हक हकूक की लड़ाई अपने नेता की बात कहेंगे। इस प्रदर्शन से कुछ फायदा होने वाला है? प्रदर्शन से फायदा की बात तो यह है, न्याय के जो न्याय को मरोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग रोड पे उतरने का काम किए हैं और आने वाले दिन में हर जुल्म के खिलाफ हम लोग उतरने का काम करेंगे। न्याय को ये मजाक बना करके नरेंद्र मोदी सरकार रख दिया है और बनाते जा रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ आज उतरे हैं और इससे भी ज्यादा संख्या में उतरने का काम करेंगे। देखिए लगातार मोदी सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज लोकतंत्र खतरे में है और हम लोग इस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदेश के कांग्रेसी आज आक्रोश में है और जब तक हम लोग इस देश में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर लेते, जब तक इसको बचाने में हम लोग सक्षम नहीं हो जाते तब तक इसी तरह आक्रोश और हम लोग लड़ते रहे हैं। इस तरीके से प्रदर्शन करने से क्या लगता है कि लोकतंत्र बचा पाएंगे? देखिए हमारा सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है, जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है, आंदोलन का, सत्याग्रह का, आवाज उठाने का, सड़कों पे आंदोलन करने का, वो आज हम अपना हक ले रहे हैं और यही सड़क तय करती है कि सरकार कहाँ जाएगी। और जो घमंड में ये तानाशाह सरकार बैठी हुई है और देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता के साथ जो कर रही है उसे ये बहुत भारी पड़ने वाला है और इसका आने वाला समय में एक एक कांग्रेस के जन, एक एक कांग्रेसी बहुत अच्छा से इसका हिसाब लेने का काम करेगी और देश की जनता भी इसे जो आज गद्दी पे बैठ के तानाशाह रवैये से सरकार को चलाना चाह रहे हैं, विपक्ष को डराना चाहते हैं, बोलने पे उसे जेल में डालने का काम कर रहे हैं, उसे जवाब मिल देने का काम करेगी और ये सरकार 2024 में कहानी खत्म होगा, खत्म हो जाएगी सरकार, बिल्कुल खत्म होने वाली है। आप देख सकते हैं महंगाई किस लेवल पे जा चुका है, बेरोजगारी किस चरम सीमा पे है, देश में जो भी सरकारी संपत्तियां अपने दोस्तों को देने का काम कर रही है तो ये देश बचेगा? ये देश आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश ऐसे बचेगी जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान देने का काम किया था, देश को बनाने का काम किया था, आज वो देश है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने आवाज उठाने का काम कर रहा है लगातार अकेले दम पे, आज उसे जेल में डालने का काम कर रही है, ये आप समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल होने वाला? तो देखिए जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता है साफ ही ज्यादा आक्रोशित है और साफ तौर से कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है, 2024 के लिए चुनौती दे रहे, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं इनका कहना है कि अब जिस महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है और इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए राहुल गांधी सामने है, अब जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अब साफ तौर से कहना है कि 2024 में भाजपा की सरकार नहीं आएगी। तो इसी तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।